हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल डूइंग आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आज एज वी प्रामिस एनसीआर टी बेसिक्स चैनल हम लेके आए हैं क्लास इलेवेंथ का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड एज यू ऑल नो लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है अंडर द यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी हैव थ्री मोर चैप्टर्स टू फॉलो दिस वी हैव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम बट बिफोर गेटिंग इन टू दिविंग हम देखेंगे कि एक साइंटिस्ट के बारे में जो छोटा सा इंफॉर्मेशन एनसीआर टी में दिया गया है वो क्या है तो वैन यू ओपन योर एनसीआर टू स्टडी द लिविंग वर्ल्ड उस चैप्टर से पहले आपको इन साइंटिस्ट का पिक्चर दिखाई देगा जिन्हें हम डार्विन ऑफ़ डार्वेंटी सेंचुरी भी बुलाते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हंड्रेड साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम ही हैज़ इमेंसली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन टू द फील्ड ऑफ टेक्सोनोमी सिस्टमेटिक्स एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक्सेट्रा फॉर विच फॉर हिस वर्क ही हैज़ बीन गिवन द थ्री प्राइजिस इन बायोलॉजी बाल्सन प्राइज इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड

एट अ वेरी यंग एज ऑफ हंड्रेड अब हम जाते हैं आगे अब हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड को इन लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है क्या क्या पढ़ने मिलेगा पहले हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन देंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर दे रेस्ट्रिक्टेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली ये भी हम पढ़ेंगे 9th 10th में या फिर हो सकता है आपके और लोअर क्लासेस में यू वुड हैव कवर्ड व्हाट आर लिविंग बीइंग्स व्हाट आर द कैरेक्टर्सिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स वहाँ से थोड़ा ऊपर उठेंगे हम इन क्लास 11th चलो लेट्स गो टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर व्हाट इज लिविंग हम लिविंग किसे कहते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे बुलाते हैं So, for this you have to cover the characteristics of living organisms. I have taken these statements from NCRT and I will also be taking the diagrams from N C R T jaha bhi non ncrt, NCRT ke Bahar se diagram ya statement liye jainge, I will let you know for sure. So yaha pe pehla statement hai all living organisms grow and increase in mass and increase in number of individual are twin characteristics of growth. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो अब इस पे हमें थोड़ा सा सोचना है डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो तो आपके दिमाग में आएगा नहीं नॉट नेसेसरी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो ग्रो हाउ डू दे ग्रो हाउ डू दे ग्रो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर हम थिंग्स यूज कर लेते हैं वर्ड इनमें आता है एक एग्जाम्पल सैंड ड्यून्स का सैंड ड्यून्स जो होती है रेत से जो छोटी छोटी माउंटेन्स बनती है इन डेजर्ट एरिया उसे हम बुलाते हैं सैंड ड्यून्स सैंड ड्यून्स का साइज में बढ़ना या घटना इज डिपेंडेंट अपॉन द ब्रीज और द विंड दैट इज कैरिंग द सैंड जैसे जैसे सैंड डिपॉजिट होगा साइज बढ़ेगी और जैसे जैसे सैंड हटेगा साइज घटेगी तो ग्रोथ तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है बट कैन यू कॉल सैंड ड्यून एज लिविंग ऑफकोर्स Not, आप उसे लिविंग नहीं बोल सकते तो इसके चलते जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा ग्रोथ इसको हम बोलेंगे इट इज नॉट अट कैरेक्टर इट इज नॉट अनेट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो होती हैं बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो कैन ग्रो नाउ वेन यूर अप्लाइंग ग्रोथ टू लिविंग वर्ल्ड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें अगर प्लांट और एनिमल्स लेना पड़े तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स वॉट आर दीज वॉट आर दीज हमने ले लिया लेट से प्लान्स प्लांट्स में हम बोलते हैं कि ग्रोथ जो है वो इनडेफिनेट होती है इनडेफिनेट होती है और एनिमल्स में और एनीमल्स में यही ग्रोथ डेफिनेट होती है डेफिनेट होती है वॉट डज दिस मीन एक बहुत सा बेसिक सा एक्सप्लेनेशन है इसका इन प्लांट्स वेन प्लाट्स आर ग्रोइंग उनका रूट हो गया या फिर उनके स्टेम हो गए दे कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द लाइफ थ्रू आउट द लाइफ है ना लेंथ बढ़ती रहेगी लेंथ बढ़ती रहेगी शायद हमें इतना नोट ना हो आफ्टर अटन एज ऑफ अ ट्री लेट्स बट ग्रोथ होते रहती है इन एनिमल्स हबे व ग्रोथ इज डेफिनेट आपको ह्यूमन बींग्स हाइट बढ़ रही है अप टू सर्टेन एज शायद आफ्टर द एज ऑफ सिक्सटीन और सेवनटीन हमारी हाइट बिल्कुल ना बढ़े इसका मतलब ये नहीं है कि वेट ग्रोथ या फिर यू नो वेट रिडक्शन नहीं हो रहा हो सकता है वेट बढ़ रहा है वेट कम हो रहा है ऑल्सो इन योर बॉडी रिपेयर इज ग्रोइंग ऑन रिपेयर जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो ग्रोथ का हिस्सा है इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोथ एज वेल तो प्लांट्स में हो गया इनडेफिनेट ग्रोथ एनिमल्स में हो गया डेफिनेट ग्रोथ हमें एक और चीज पढ़ने मिली कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो जिसके चलते यू आर कि ग्रोथ इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द सेंस नॉट अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब नेक्स्ट हम लोग स्टेटमेंट पे आते हैं इंक्रीज इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैसे आपने लेट सपोज एक बैक्टीरिया ले लिया अब जब ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा और अपना कॉलोनी का साइज बढ़ाएगा तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ ये भी ग्रोथ है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ भी रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड यू कैन कॉल दिस एज ग्रोथ एज वेल ये भी ग्रोथ है दिस इज ऑल्सो ग्रोथ तो ये हो गया अपना ग्रोथ का द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे भी एक क्वेश्चनेबल है कैन वी से के ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इज इट पॉसिबल हो सकता है कहीं पे कोई बायोलॉजिकल या मेडिकल प्रॉब्लम हो बिकॉज ऑफ विच रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल सो जस्ट बिकॉज एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस कैन यू से कि वो नॉन लिविंग है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं यहाँ पे यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ लेट से इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन डजन मीन डजन मीन के दे आर नॉन लिविंग तो कैन आई से रिप्रोडक्शन इज अ डेफिनेट कैरेक्टर अगेन रिप्रोडक्शन इज नॉट नॉट definite character of living organisms. It is not a definite character of living organism. Hai na? Another point, another point. Up chalte ham, next slide ki taraf. What is living gets continued. A bate characteristic ki taraf, which is called as metabolism. Now word metabolism hai, this is very particular to living organisms. Living organisms कैन शो मेटोबोलिज्म और विल शो मेटाबोलिज्मली करेंगी बिल्कुल करेंगी नॉन लिविंग बड़ा सिंपल है एंड दैट इज मेटाबोलिज्म का जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो वो है एनोबॉलिज्म कैटाबोलिज्म एनोबॉलिज्म का मतलब क्या है बिल्डिंगअप बिल्डिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बिल्डिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन योर बॉडी आपने खाना खा लिया ग्लूकोज रिलीज हो गया एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इन टू लेट से ग्लाइकोजन एंड इन फर्दर बायोकेमिकल रिएक्शन शायद फैट तो ये हो गया एक एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिक मीन्स ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन तो ये हो गया ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सा एग्जाम्पल लोगे आप कौन सा एग्जाम्पल लोगे आप ब्रेकिंग डाउन हो गया डाइजेशन ऑफ फूड इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम फूड जब डाइजेस्ट हो रहा है देन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यू आर गेटिंग सिंपल मॉलिक्यूल लाइक अ माइनो एसिड अ ग्लूकोज तो ये हो गया कैटाबॉलिक रिएक्शन इन योर लोअर क्लासेस इन योर लोअर क्लासेस आपने एक फंडामेंटल चीज़ पढ़ी होगी फॉर बिल्डिंग अप फॉर बिल्डिंग अप यू वुड हैव स्टडीड द एग्जाम्पल एज फोटो सिंथिस फोटोसिंथेसिस है ना एंड ब्रेकिंग डाउन के लिए आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा रेस्पिरेशन है ना रेस्पिरेशन नॉट द रेस्पिरेशन दैट सांस अंदर ले ली और बाहर छोड़ दिया नॉट दैट रेस्पिरेशन बट द रेस्पिरेशन दैट अकर्स इनसाइड अ सेल सेलुलर रेस्पिरेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू इज व्हाट गिव यू मेटाबॉलिज्म और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म हर लिविंग सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस बिल्कुल होते हैं बिल्कुल होते हैं अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे दिस इज आल्सो टेकन फ्रॉम एन दिस इज आल्सो टेकन फ्राम एनसीआर टी एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गैनिज्म परफॉर्मड इन टेस्ट ट्यूब इज नई living नॉर नॉन लिविंग इसका मतलब क्या है अगर आपने एक मेटाबॉलिक रिएक्शन आइसोलेट कर दी और टेस्ट ट्यूब में करने की कोशिश की लेटर से ये आपका टेस्ट ट्यूब है आपने डाल दिया इसमें कुछ एंजाइम enzyme. ये एंजाइम्स वो हैं विच वर्क्स इनसाइड द बॉडी लेटर से एग्जाम्पल ले रहे हैं हम और आपने डाल दिया कोई सबस्ट्रेट कोई मॉलिक्यूल जिसपे एंजाइम काम करेगा जिसपे दिस पर्टिकुलर एंजाइम विल वर्क तो इन पर्टिकुलर सस्पेंशन में जो एक्टिविटी हो रही है जो एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है उसको यू कैन नई दर कॉल लिविंग नॉर नॉन लिविंग आपने आप लैब में ये रिएक्शन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो तो ये जो रिएक्शन है इट इज नई लिविंग नॉर नॉन लिविंग द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट हम इसके बारे में भी बात करेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड हाव तो लाइक like आई ये कंटिन्यू हो जाता है इन द टेस्ट ट्यूब जो रिएक्शन हो रहा है उसको ना आपने लिविंग बोला ना नॉन लिविंग बोला क्यों क्योंकि आपने एंजाइम लिया है यू हैवन टेकन अ सेल तो यहाँ पे आप पढ़ो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम लैब में टेस्ट टेस्ट्यूब में एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ यू कैन यू कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ये रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है विदाउट अ सेल विदाउट अ सेल तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द बॉडी हमने क्या एग्जाम्पल लिया था टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करें इन द लैब ठीक है देखा परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नई लिविंग नॉर नॉन लिविंग हेंस आगे के स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं हम आगे के स्टेटमेंट पे हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन

आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन थे जो आपने कैरी आउट किया एक टेस्ट ट्यूब में ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन था दिस इज नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन इसे आप लिविंग रिएक्शन बोलोगे लिविंग थिंग नहीं बोलोगे वाई बिकॉज यू हर नॉट टेकन अ सेल आपने सेल नहीं लिया यू टुक द कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट तो यहाँ पे यू कै नॉट कॉलिट एज लिविंग थिंग बट आप इसको लिविंग रिएक्शन बोल सकते हो क्योंकि बॉडी दिस इज वॉट अकर्स इन साइड द बॉडी अब समय क्या है इन विट्रो फ्यूचर में भी ये वर्ड आएगा जिसका मीनिंग है इन लेबोरेटरी इट मीन इन लेबोरेटरी इन लैब आप जब कंडीशन मिमिक कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड एज इन वि अब इसके कंटिन्यूड एक स्टेटमेंट आता है हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स तो इन्होंने आपको क्या बताया दो चीज़ें रिलेट की मेटाबॉलिज्म और सेल को इन्होंने बोला कि आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आइसोलेट करके टेस्ट ट्यूब में दिखा सकते हो बट इससे टेस्ट ट्यूब जो है वो लिविंग एंटिटी नहीं बनेगा आप जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन दिखा रहे हो दैट इज स्टिल कॉल्ड एज अ लिविंग रिएक्शन यू आर नॉट कॉलिंग इट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दे आर सेइंग कंटिन्यूइंग कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ लिविंग फीचर ठीक है अगर इस टेस्ट ट्यूब में हमने सेल लिया होता तो वो बन जाता लिविंग एंटिटी इन अ सिमिलर वे एनी ऑर्गेनिज्म एनी लाइफ फॉर्म विल हैव अ बेसिक एंटिटी दैट इज अ सेल चलो आपने बैक्टीरिया ले लिया बैक्टीरिया इज अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में जो बेसिक एंटिटी है व्हाट इज अ सेल है ना अपने डीएनए के साथ सर्कुलर डबल भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाएगा सेल से नीचे एनी थिंग लेस देन अल एनी थिंग लेस देन अ Cell cannot cannot exist independently independently. Cell से नीचे cell से नीचे क्या होगा हो सकता है डीएनए आ जाए या फिर न्यूक्लियस आ जाए या माइट्रोकॉन्ड्रिया या या ribosome. देर आर सो मेनी डिफरेंट organelles. आपने कुछ भी ले लिया सेल से नीचे देन यू नॉट से इट इज लिविंग एंटिटी क्योंकि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही मुश्किल है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आई होप दिस इज क्लियर तो क्या क्या कवर किया हमने हमने कवर किया ग्रोथ एंड देन रिप्रोडक्शन एंड देन वी स्पोक अबाउट वी स्पोक अबाउट द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस What exactly is consciousness? We say consciousness is a defining property of all living organisms. Consciousness is basically the interaction that an organism has with the environment, the interaction or the response that the organism is giving to the environment. Environment may kuch bhi change hua. तो हम कैसे रिस्पोंड करते हैं हम इन द सेंस एनिमल्स हो गए या प्लांट हो गए इसे हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस जैसे धूप पड़ रही है एंड देर इज गोइंग ऑन इन द प्लांट दैट इज अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन या फिर इफ यू आर टेकिंग एन एनिमल जिसने अपने प्रिडेटर को देखा फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस एंड इट रन फॉर इट्स लाइफ ये भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस टच मी नॉट प्लांट ले लो आप है ना टच मी नॉट प्लांट आपने जैसे ही प्लांट को छुआ उसके लीव ड्रूप हो जाएंगी दैट इज ऑल्सो कॉन्शियसनेस सो कॉन्शियसनेस इज बेसिकली रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है देन इट हैजू इंटरेक्ट विद दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वरना काम बिल्कुल नहीं चलेगा इट कैन नॉट फंक्शन तो ये जो है इट बिकम्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस अब एक और वर्ड आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस आप लोग सोच रहे हो कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में व्हाट इज द डिफरेंस ह्यूमन बीइंग ओनली ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम अवेयर ऑफ हिम सेल्फ थोड़ा फिलोसफिकली बात कर लेते हैं वी आर अवेयर ऑफ आवर सेल्फ हमें अपने पोटेंशियल्स पता है हाउ मच आई कैन स्कोर एंड हाउ मच आई कैन डू वेल आपको ये पता था कि यू हैव टू टेक बायोलॉजी इन ऑर्डर टू टेक अप फील्ड इन बायोलॉजिकल साइंसेस राइट आपने डर डर के बायोलॉजी लिया होगा या बहुत खुशी खुशी लिया होगा दैट इज टोटली अप टू यू तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ ये सारी जो चीजें है, हैं, ये आती हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस में यू आर अवेयर दैट योर एंग्री यूर अवेर दैट योर सैड यूर अवेयर दैट योर हैप्पी एंड रिलेटेड तो ये सब आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस में ह्यूमन बीइंग ओनली ऑर्गेनिजम हुफ We are at the top of the food chain, probably because of that self consciousness. Self consciousness. But now the uh, question comes: a patient in coma, NCRT puchta hai a patient in coma. Kya ye admi or this particular patient is conscious or self conscious? Toh aapka kya answer aana chahiye? so you have to say ki yes. This particular patient is conscious. Conscious to hai. Conscious to hai. Q. Because his heart is beating, his breathing. henna. Other bodily functions are going on. But he is not aware of himself. He is not aware of himself. Shai's emotions feel na ho raha ho. The patient is not feeling happiness or sadness or anger or fear even fear is not felt by this particular patient so you can say a patient in comma conscious yes but not self-conscious that particular patient is not self-conscious so consciousness is again a defining property of living organism a defining property of living organism so yahan pe hum ek kam karte hai. let us take down all the defining properties of Living organisms that we studied till now. The defining properties. may what and all comes. First comes metabolism. Pehle aata hai, metabolism. And then comes cellular organization. Cellular organization. And then comes. And then comes consciousness. कॉन्शियसनेस फिर आता है कॉन्शियसनेस दिट कुडी टू माई क्वेश्चनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्मी है ऑर्गेनिजम्स आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट एंड दथिंग पेंडिंग आई होप यू आर एबल टू रिकॉल एंड अंडरस्टैंड जो भी अपने लोअर क्लासेज में पढ़ी है और वॉट एवर हैव स्टडीड इन योर क्लास लेवेंथ यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज़ अंडरस्टूड बाई यू ठीक है अब ये तो हो गई डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन के ऊपर भी बन जाए जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया रिप्रोडक्शन अब अगर आप इन डेप्थ एनसीआर पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एक और पॉइंट मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक उन्होंने प्लेरिया का जो रिप्रोडक्शन फॉर्म है वो भी मेंशन किया है हालांकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं बट जस्ट बी ऑन अ सेफ साइड आई एम मैंशन दिस प्लानेरिया बेसिकली रिस्पॉन्ड्स सॉरी रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन और लेट अस से हमने ले लिया फंगाई फंगाई में जो है आपने अगेन लोअर क्लासेस में स्पोरुलेशन पढ़ा होगा स्पोरुलेशन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगई या फिर यू कैन टेक बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया जो है इट इट इज गोइंग टू डिवाइड बाय द सिंपल मेथड ऑफ फिजन फिजन बाइनरी फिजन या सिंपल मेथड ऑफ फिजन तो ये सारी चीजें दिज आर लेस इंपॉर्टेंट हाव एव मैं यू कैन गो थ्रू दैट एज वेल ठीक है तो व्हाट आर द लिविंग और व्हाट आर द डिफाइनिंग लिविंग ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने यहां पे ये कवर कर लिया है अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यहाँ से यहाँ से शायद बोर्ड एग्जाम में नॉट मेनी क्वेश्चन कम बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नोट करनी है मैन यू रीडिंग एनसीआर टी the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million 1.7 to 1.8 million species have been discovered and described what does this mean discovered and described matlab it has been discovered and described matlab ye sari species ko identify kar chuke hai, एंड बायोनोमल नामचर जो होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एक्टलीफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ स्पीशीज तो आपको शायद ये जरूरी पड़े स्पेशली इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो प्लीज रिमेम्बर दिस अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ डेफिनेशन की तरफ किसी ऑर्गेनिज्म का अब इफ यूर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक नेमिंग यू कैन नॉट सिंपली नेम एंड ऑर्गेनिज्म कुछ रूल्स होंगे कुछ सेट रेगुलेशन होंगे विच हैजू बी फॉलोड इनऑर्डर टू साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म तो पहले हम नॉर्मन क्लेचर का मीनिंग देख लेते हैं दर इज अड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्मिज्म सेम नेवर द वर्ल्ड अब हम एक कॉमन एग्जाम्पल लेंगे मैंजीफेरा इंडिका ये जो नाम है मैंजीफेरा इंडिका अगर ये नाम आपने कहीं पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड लिया एंड पीपल आर अवेयर किए मैंगो का साइंटिफिक नाम है यू आर टॉकिंग अबाउट मैंगो क्यों क्योंकि मैंगो को या फिर आम को लोकल कितनी सारी डिफरेंट नामों से जाना जाता है इफ यू टेक अ लोकल नेम समवेयर इन द वर्ल्ड दे माइट नॉट नो वॉट टॉकिंग अबाउट तो टू स्टैंडर्डाइज एंड टू अ कॉमन नेम टू दीज ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स और एनी अदर ऑर्गेनिज्म री मच नेरी तो ये जो साइंटिफिक अप्रोच हैिजम उसको हम बोलते हैं नॉमन क्लेचर नॉमनक्लेचर नॉमनक्लेचर द वर्ल्ड अब हम आते हैं नेक्स्ट पे आइडेंटिफिकेशन वॉट डू मीन बाई आटिफिकेशन देखो आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अजिकल वर्ड इट्स अलग आइडेंटिफाई करना वॉट डू मीन बाई आइडेंटिफाइंग सम ठीक है आपने एक ऑर्गेनिज्म को देखा उसको पढ़ा यू डिस्क्राइब कि ये ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट इंसेक्ट है सम काइंड ऑफ ये होता है आइडेंटिफाई करना सो यू आर बेसिकली आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म कि ये कौन सा एनिमल या प्लांट या बैक्टीरिया या वायरस है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे एक बार जब आइडेंटिफाई हो गया देन यू हैव टू क्लासिफाई इट किंगडम कौन सा है फाइलम कौन सा है या डिविजन कौन सा है या क्लास कौन सा है तो आपने क्या किया आपने साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दे दी उसकी है ना दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वैन यूर स्टडिंग यू आर स्टडिंग एन ऑर्गेनिज्म एंड स्पेशली इन टेक्सोनोमी स्पेशली इन टेक्सोनोमी तो क्लासिफिकेशन क्या है प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एन ऑर्गेनिज्म अंडर इट्स रेस्पेक्टिव कैटेगरीज हम लोग इस कैटेगरीज के बारे में भी आगे जाके पढ़ेंगे तो आई होप दिस हैं ऑफ जब हम बात करते हैं साइंटिफिक नेमिंग की, तो जो नॉमन का रूल है वो हमारे पास जो नॉर्मली अप्लाई होता है वो है बाइनोमियल नॉमनक्लेचर इट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉम क्लेचर बाई मतलब टू बाई मतलब टू Binomial nomenclature is basically where a name has two components. How would you define binomial nomenclature? He again apka one marker question banta hai scientific name, scientific name having having two components, having two components. आप इसको वन मार्क क्वेश्चन के लिए फर्दर इलाबोरेट करोगे ये कौन से टू कॉम्पोनेंट्स है वॉट आर द टू कॉम्पोनेंट्स द टू कॉम्पोनेंट्स आर बेसिकली मैं यहाँ लिख देती हूँ द फर्स्ट इज द जीनस नेम एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट जिसे हम स्पीशीज भी बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट जिसे हम स्पीशीज भी बोलते हैं

वाई इज द यूज ऑफ द लैंग्वेज लैटिन लैटिन एक ऐसा लैंग्वेज है जो एग्जिस्ट नहीं करता अभी और आई कैन सेजेंट इट इज़ नॉट इन यूज आई थिंक दैट वुड बी अटर एक्सप्लेनेशन इट इज़ नॉट इन यूज तो लैटिन बिकॉज इट इज़ नॉट इन यूज द लैंग्वेज इट सेल्फ कै नॉट चेंज अब जैसे आपने हिंदी ले लिया या इंग्लिश ले लिया सो मैनी पीपल इन द वर्ल्ड टॉक हिंदी एंड इंग्लिश तो जैसे जैसे लैंग्वेज यूज होगा लैंग्वेज इवॉल्व होगा या चेंज होगा वर्ड्स के मीनिंग शायद बदल जाएँ या फिर नए वर्ड्स ऐड हो जाए लैटिन में ये प्रॉब्लम नहीं है लैटिन इज अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट यूज इट्स अ लैंग्वेज विच इज एक्सटिंक्ट तो जब आप लैटिन में नाम दोगे देर इज़ अ हाई चांस कि जो इस वर्ड का मीनिंग है वो आगे जाके चेंज ना हो दैट इज बाय द नेम्स आर लैटनाइज एंड रिटर्न इन इटैलिक्स इटैलिक्स वोट यू मीन बाई इटैलिक्स आपने देखा होगा वेन प्रिंटिंग सर्टन वर्डेड इसे हम बोलते हैं इटैलिक्स इसे हम बोलते हैं इटैलिक्स या फिर आप नाम देने के बाद उसका वर्जन निकाल सकते हो दे आर लैटनाइज और डिराइड फ्राम लैटिन इफ देयर ओरिजन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट द फर्स्ट वर्ड इन बायोनोम नोम इज जीनस नेम एंड सेकेंड वर्ड इज अज ने जैसे मैंने बोला तभी स्पेसिफिक एपिथेट एंड जीनस जो पहला नाम है वो जीनस का नाम होगा जो हो गया फेरा एंड वर्ड इज स्पीशीज का नेम इंडिका इंडिका आप देखोगे हाउ एम आई राइटिंग इट हाउ एम आई राइटिंग इट जो बनाता है हमारा थर्ड रूल वेन द नेम्स हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड और या फिर अगर प्रिंट हो रहा है देन इट हैज टू बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स क्यों अगर एक वन मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई अ पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली और शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स दैट इज टू डिनोट दैट दे आर लैटिन इन ओरिजिन उनका जो ओरिजिन है वो सिग्निफाई करने के लिए इट हैज टू बी द अंडरलाइन सेपरेटली और इट हैज टू बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स इट हैज बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स अब हम आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट कैपिटल वर्ड हमने यहाँ पे M कैपिटल लिख रखा है एंड द स्पीशीज का जो पहला अल्फाबेट है दैट हैज बी स्मॉल दैट हैज बी स्मॉल ये भी एक रूल है दिस इज ऑल्सो अ रूल ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं

टू गिव देम देर ड्यू क्रेडिट उनका नाम भी जोड़ा जाता है एंड हाउ एग्जैक्टली इज इट एडेड इफ यू विल सी एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम इन एन ने फॉर्म एब्रीवेटेड मतलब शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म यू विल सी मैंजिफेरा इंडिका आप देखोगे इटालिक्स में प्रिंटेड है एंड एट द एंड द नेम ऑफ द ऑथर एल आई एन एन और एक फुल स्टॉप तो यहाँ पे जो है शॉर्ट फॉर्म में लिनेस का नाम दिया गया है बट द नेम स्टार्ट विदिटल एल्फोबेट विदिटल शॉर्ट फॉर्म लिया जाता है द होल थिंग ये जो पूरा नाम है ये पूरा नाम जो है कॉम्पोनेंट ऑफ बायोनोमियल नॉम्क्लेचर है इट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सॉरी बायोनोमियल नॉम्क्लेचर अगर अगर एक क्वेश्चन एमसी क्यू का बनता है दे कि ऑफ द द इज करेक्ट फॉर्म ऑफ बाइनियल नॉमचर तो यू विल ऑप्ट फॉर एन आंसर जहां पे जीनस का नाम भी है स्पीशीज का नाम भी है और ऑथर का नाम भी है इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मैट बट यू हैव टू रिमेंबर ऑथर का नाम इटेलिक्स में नहीं दिया जाता

जहाँ पे भी आई हैव कि दिस इज अ वन मार्क क्वेश्चन और अ टू मार्क क्वेश्चन प्लीज मार्क इट डाउन अगर मैंने कहीं पे एम सी क्यू का नाम लिया है तो वो भी मार्क कीजिए डू दैट सो दैट मैन यू स्टडिंग योर एनसीआर टी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन एवरीथिंग बिकम्स ईजी एंड सिंपल एवरीथिंग बिकम्स ईजी एंड सिंपल